गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं ये बिस्तर, कुछ कंबल वगैरह थे जो ठंडियों के थे, अभी तक उनको नीड ही नहीं थी रखने की, क्योंकि अब हमें यहाँ से जाना है तो सारी चीज़ें व्यवस्थित रखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये बाहर रखी रही ना तो इनका ख़राब होने का डर है। ख़राब मीन्स कि गंदा होने का डर है, और इतने मोटे मोटे कंबल तो मशीन में भी नहीं जाते हैं धुलने में। तो मैंने वही बाबू से बोला, मैंने कहा एक काम करो, आज थोड़ा दीवान खोल दो, मैं सारा सामान जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा का सामान है वो रख दूँगी। वैसे हमारी जब हमने घर शिफ्ट किया सारी चीज़ें रख दी थी, बस ये दो कंबल बचे थे, तो आज हमने इनको भी पैक करके रख दिया थोड़ा धूप दिखा के, क्योंकि कभी भी कंबल वगैरह बरसात के टाइम में तो वैसे भी आपको धूप दिखा देनी चाहिए हर एक दो दिन में। तो फिर इसीलिए रख दिए, क्योंकि हमें निकलना ही था, तो हमने सोचा कोई मतलब नहीं है बाहर रखा रहने देने का। यहाँ पे हम हमारी बेडशीट लगा रहे हैं और कुशन लगा रहे हैं, क्योंकि जो जैसा कि मैंने बताया कि सामान रखा था तो ऑब्वियसली वो सब हटाना पड़ता है, तो फिर फैल ही जाता है, तो सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको नहा कर। गाइस, तो आज है दिन सोमवार एंड आज मुझे बहुत सारा काम है। 3 दिन से मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। जो आप लोग लास्ट व्लॉग देख रहे थे वो फ्राइडे के व्लॉग था, सैटरडे संडे एंड आज मंडे। आज फाइनली मैंने व्लॉग उठाया कि मुझे आज व्लॉग बनाना है। और इसके पहले आपने एक मेकअप वीडियो देखा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मेकअप, और आई रियली होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। एंड आज मुझे अभी निकलना है, तो आज मुझे करनी है पैकिंग ससुराल निकलने की, क्योंकि हम लोग रुक गए थे, मंडे का वेट कर रहे थे कि अच्छे दिन को जाएंगे, तो सारी पैकिंग ऑलमोस्ट है, बस थोड़ी सी पैकिंग रह गई है, लाइक 20% पैकिंग रह गई है, तो मुझे बस वो पैक करना है। और क्या करना था एंड कुछ तो करना था, पैकिंग हो गई, पैकिंग करनी है और बनाना है खाना। तो मैं सोच रही हूँ खाना पहले बनाऊँ और उसके बाद पैकिंग करूँ, क्योंकि खाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। दाल चावल और मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया। सो चलिए फटाफट से हम बनाते पहले खाना, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, एक साइड मैंने रख दी है कढ़ाई, दूसरी साइड मैंने रख दिया है एक पतीली, जिसको हमारे यहाँ पे भगोनी बोलते हैं। तो इसमें मैंने दोनों में डाल दिया है ऑयल, एक में मैं बना रही हूँ कढ़ाई में भुजिया और पतीली में मैं बना रही हूँ दाल। दाल का तड़का आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी प्याज काट के रखी है, हरी मिर्च काट के रखी है, टमाटर काट के रखे हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया मैंने इसमें डाल दिया राई और जीरा दाल के तड़के के लिए, और उसके बाद मैंने इसमें डाला लहसुन, ढेर सारा लहसुन डालते हैं दाल में, बहुत अच्छा लगता है, 4-5 कलियाँ को अच्छा बारीक बारीक काट के। उसके बाद मैं यहाँ पे हरी मिर्च डाल रही हूँ बीच से फाड़ फाड़ के, क्योंकि ये जो हरी मिर्च है ना अच्छी है, तीखी है, लेकिन जब ये दाल में एकदम आप इसे क्रंची कर देते हो ना, दाल में जब ये मिलती है ना खाने में एक एक बाइट में, बहुत टेस्टी लगती है। और हरी मिर्च अच्छी होती भी है, हमारी ब्लड को साफ़ करती है। यहाँ पर ये देखिए मैंने प्याज डाल दी है जैसे ही हरी मिर्ची थोड़ी सी पक गई, और यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है ऑयल में। जैसे यहाँ पे जीरा फूटने लगा था तो मैंने हरी मिर्च डाल दी और उसके बाद डाल दी प्याज, तो इसको मैंने अच्छे से डाल देना है। और ये जो मैं भुजिया बना रही हूँ गाइस, ये आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना पनीर की, अगर आप इस तरीके से भुजिया बनाओगे ना आप मुझे हमेशा याद रखोगे। और उस साइड मैंने दाल में तड़का लगा दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दीदी ने तो ना टमाटर डाले, ना नमक डाला, ना हल्दी डाली, तो ये सब मैंने बॉयल करते टाइम डाल दिया था, इसलिए मैंने नहीं डाला है। और बॉईल करते टाइम मैं ये हमेशा डालती हूँ अगर मैं इस टाइप की दाल बनाती हूँ, मसाले वाली दाल अलग बनती है। यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती काटी थी दाल के लिए, तो जो मोटी मोटी धनिया पत्ती नहीं होती वो मैंने डाल दी है इस प्याज के अंदर, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं ढेर सारे टमाटर। अब मैं आपको बता दूँ कि टमाटर का मैंने सारा बीज निकाल दिया है, क्योंकि बाबू को स्टोन की प्रॉब्लम है जिसका पेन उन्हें अभी फिर से चालू हो गया है, तो जो बीज वाली चीज़ें होती हैं स्टोन वालों को वो नहीं देते हैं। तो इसके जैसे टमाटर आप यूज़ कर रहे हो ना तो उसके सारे बीज निकाल दो, तो यही मैंने किया था, जो पल्ब होता है ना वो मैंने निकाल दिया था। हालांकि उससे उसी से मेन टेस्ट आता है, बट क्या करें, लेकिन क्या होता है ना कि जो भुजिया होती है वो थोड़ी सी लिजविजी ही अच्छी लगती, एकदम सूखी सूखी ड्राई ड्राई नहीं पसंद आती हम लोगों को। तो ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल चुके हैं और पानी भी छोड़ दिया है, बीच में मैंने नमक डाल दिया था तो टमाटर और जल्दी गल जाते हैं, और इनने ऑयल भी छोड़ दिया है।
एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले तो मुझे याद आया, तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली हुई है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, ओनली कलर होता है, और हल्दी डाली हुई है। इसको अच्छे से मैं मिला दूँगी और उसके बाद जब ये थोड़ा सा मुझे लगेगा एक मिनट तक मैं चला दूँगी, उसके बाद मैं इसमें पनीर घिस दूँगी, मतलब किस के डाल दूँगी। तो जब आप इस तरीके से बनाते हो ना तो काइंड ऑफ सब्जी ही बन जाती है, ये भुजिया टाइप नहीं रहती है और टेस्ट में बहुत अमेजिंग लगती है। तो रात की कुछ पूड़ी वगैरह रखी हुई थी तो वही उसी के साथ हम लोगों ने इसको ले लिया था, खा लिया था और बहुत टेस्टी बनी थी, लाइक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मुझे हल्दी थोड़ी सी कम लगी लेकिन कोई नहीं, कलर से ज़्यादा टेस्ट अच्छा था इसका, और मैटर वही करता है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। हालाँकि मेरे घर में मैटर ये करता है कि कलर अच्छा होना चाहिए, टेस्ट तो जैसा होगा तो होगा, कहते पहले आंखों से खाएंगे फिर खाएंगे मुंह से। तो यहाँ पे दाल भी हमारी हो गई है, दाल को ढक के रख दिया है और पनीर में लास्ट में आपको 5 मिनट पका के धनिया पत्ती डाल देनी है और आपकी पनीर भी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने विशिका को दे दी है दाल चावल, तो वो इन्जॉय कर रही है अपने दाल चावल, नहा ली है, तैयार भी हो चुकी है और अपने कपड़े भी दिखा रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टीवी का शोर हो रहा था इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ उसका शेयर नहीं किया, क्योंकि टीवी में गाने चल रहे थे, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता इसी चक्कर से। सो जब तक हमारा खाना वाना जो था वो रेडी हो ही चुका था और मैं यहाँ पे पैकिंग करने आ गई, क्योंकि पैकिंग करना बहुत ज़रूरी था। तो ऑलमोस्ट बाबू की सारी पैकिंग थी, बट वही होता है ना कि आप अपने हिसाब से पैकिंग कर रहे हो और जिनको पहनने हैं कपड़े वो अपने हिसाब से बोलेंगे कि उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो उन्होंने इतने सारे कपड़े निकलवा के रख दिए थे, आप साइड में देखोगे ना वो सब बोलते जा रहे थे नहीं ये नहीं चाहिए, जो मैं उस साइड लगा के रख रही हूँ ना वो चाहिए ही नहीं है उनको, ये भी नहीं चाहिए। तो मेरे को गुस्सा भी आ रही थी कि मैंने इतने सारी पैकिंग करी और मुझे फिर से पैकिंग करनी पड़ रही है। और ये जो आप फैलान देख रहे हो ना, तो मैं बता दूं कि ये सारा सामान मुझे निकल लेके जाना है, तो ये सब यहाँ से उठ के चला जाएगा, फ़िलहाल तो फैलान जैसा ही लग रहा है। तो काफ़ी सारे कपड़े जो थे बाबू के मैंने मतलब नहीं निकाल लेके आई हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं यार, मतलब नहीं लगाए थे बैग में। और ये देखिए मैं बाकी सारी पैकिंग कर रही हूँ उनकी, तो यहाँ पे उनकी पैकिंग में तो ठीक है हो रही थी, कुछ चीज़ें उनकी रह जा रही थी। और दीदी मुझे पानी देके गई और दीदी ने ही मतलब जो दाल की प्रिपरेशन थी वो सारी मुझे करके दी थी, कि मैं सिर्फ तड़का वगैरह लगा दी थी। और यहाँ पे ये देखिए हमने इनके जो कपड़े जो नहीं ले जाने हैं वो यहाँ से हटा दिए हैं, तो मैं यही कर रही थी क्योंकि बिल्कुल फ़ाइनल पैकिंग थी हमारी, तो हमें यही करना था कि बिल्कुल फ़ाइनल पैकिंग कर लो, एक बार फ़ाइनल टच दे दो, क्योंकि पैकिंग तो ऑलमोस्ट मैंने पूरी कर ही ली थी। तो इसी चक्कर में यहाँ पे मैं मिशिका के कपड़े रख रही हूँ, तो मैं इनसे पहले बोल रही थी कि यार बच्चे के पास कपड़े नहीं बचे, सारे कपड़े उसके छोटे हो गए हैं लाना है। और फिर लगाते लगाते बैग ये वाला ऑलमोस्ट पूरा भर गया था, तो फिर बाबू बोलते कि हम पेरेंट्स ऐसे होते ही हैं, ये देखिए पूरा बैग टाइट हो चुका है, थोड़ी सी जगह बची थी। तो बाबू बोलते हैं कि हम पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं कि हमें लगता है हमारे पास बच्चे के पास कपड़े नहीं है, जब लगाने बैठो तो कितने सारे, जबकि मैंने कितने सारे कपड़े तो लगाए नहीं। गाइस छोटी बेबी के कपड़े, ये वैसे ये मिशिका के कपड़े हैं और ये छोटा बेबी हमारा पहनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे न्यू कपड़े नहीं पहनाते हैं, बोलते हैं न्यू कपड़े नहीं पहनाना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि छोटे बेबी के लिए कपड़े लूँ या ना लूँ, यानी उसकी शॉपिंग करूँ या ना करूँ। वैसे ये सिर्फ एक जोड़ी कपड़े जो हैं मिशिका के बचाए थे मैंने सिर्फ याद के लिए, एंड एक ये बचाया हुआ था क्योंकि इससे भी हम लोगों की कई यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये क्योंकि मिशिका अक्टूबर में हुई थी तो ठंडियाँ चालू हो गई थी, तो ये वाले जो कपड़े हैं ये छोटी बेबी के, लाइक मैं सच में मुझे रोना आ रहा है, मिशिका को मैंने ये कपड़े पहनाए, वो आज इतनी बड़ी हो गई, अब ये कपड़े हमारा बच्चा पहनेगा। हमने कभी इतने जल्दी प्लान नहीं किया था बच्चे का कि इतने जल्दी बच्चा करेंगे, इसलिए मैंने मिशिका के सारे कपड़े दान में दे दिए थे और सिर्फ एक कपड़ा बचाया था याद के लिए कि जब वो बड़ी होगी तो उसको दिखाएंगे कि ये तुम्हारे कपड़े हैं। लेकिन अभी इसको न्यू बॉर्न बेबी पहनेगा। चलो इनको भी रख लेते हैं और
अगेन मिशिका के पास समथिंग 12 गुदड़ी थी, जिनको हमारे यहाँ पे गुदड़ी बोलते हैं, लेकिन मैंने दो बचाई हुई हैं, जिसमें से एक ये वाली याद के लिए ही बचाई थी, सोचा नहीं था कि इतने जल्दी यूज़ में आ जाएगी। एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये दोनों मैं लेके जा रही हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं इनको साथ में लेके जाती हूँ, छोड़ के कहीं नहीं आती हूँ। सुदीखा, आपने कैसी लगी आपको ये दोनों कपड़े, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं बता दूं, मैं बहुत खुश हो गई थी ये सारे कपड़े देख के। अच्छा लगता है जब आपके पास ऐसी मेमोरीज़ होती हैं, यही तो होती हैं जो हमें आगे हम अपने बच्चों को दिखा पाते हैं। तो छोटी छोटी मेमोरीज़ को अपनी कैप्चर कीजिए किसी भी चीज़ में। ये देखिए गाइस, मेरी फाइनल पैकिंग हो चुकी है, और ये जो आप चूड़ी का बॉक्स देख रहे हैं ना, चूड़ी कलेक्शन बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे लोकल मार्केट की चूड़ी और कंगन कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। गाइस, हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, दाल चावल और भुजिया दोनों ही, तीनों ही चीज़ें बहुत टेस्टी बनी थी। एंड आप लोगों को एक बहुत 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 बड़ा वाला सरप्राइज़ मिलने वाला है। इतना रेडी हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको कल ही पता चलेगा। थोड़ा सा अगर आप लोगों को सस्पेंस ना दिया तो क्या किया है ना बाबू, सस्पेंस क्रिएट कर दिया। तो मज़ा आता है, दिखा लग रहा। और बाबू का ये वाला गॉगल कैसा लग रहा है, प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, कॉमेंट डाउन करना। टाइम से ये घबरा रहा था कहीं जाने के लिए, आखिर पहुंच ही गया बाकी अपने स्थाई जगह पे। आर यू एक्साइटेड? पूरा डाउट मत करो okay. चलो, और बाबू का मैं बता दूं कि दो दिन से थोड़ा सा हल्का सा उनको पेन हो रहा था पेट में, जिसकी वजह से मैंने स्टोन का, और जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी दो दिन से, लेकिन आज फाइनली सब ठीक है और हम लोग बढ़िया जाने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं। और आज जो आप लोगों ने बेबी के कपड़े देखे, बाबू तो इमोशनल हो गए थे वो कपड़े देख के, क्योंकि मिशिका के वो कपड़े हैं। तो बाबू कैसा लगा था जब आपने वो छोटे छोटे से कपड़े देखे थे? ऐसे बाबू कहते अब इसमें कब जल्दी से एक छोटा सा बेबी आ जाए। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, ज़्यादा चपड़ चपड़ नहीं करती हूँ, और मिलती हूँ एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है बाबू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी लिप्स पता कैसे लग रही, जैसे आपने लिपस्टिक लगाई है, और देखो इतनी पिंकी पिंकी लिप्स अच्छे हो जाते हैं खाना खाने में, अच्छी लगती है जब। हाँ तो अच्छा, बहुत लग रहे हैं मेरी कैसे लग रहे हैं आप, कितने अच्छे लग रहे हैं।